हाँ जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिजिक्स का रिवीजन कर रहे थे, तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका सेमीकंडक्टर से रहेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक आइडियल जंक्शन डायोड है, ठीक है। ये आपका पीएन जंक्शन है जो कि दिखाया गया है, पी आपका ये एन होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक 200 ओम का रेजिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और पोटेंशियल जो पॉइंट्स का है वो भी आपको दिखाया गया है। यहाँ पे +3 वोल्ट और ये आपका +1 वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम में जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बायसिंग हुई है वो आपकी हुई है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये होता है कि जो पी टर्मिनल है वो कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, और जो एन टर्मिनल कनेक्टेड है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर की तरह काम करेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है। बायसिंग मतलब समझ रहे हो ना, जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये चेक करना है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है ये, ठीक है। तो ये सिंपल एक 10th क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, और आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, हायर वोल्टेज है 3, माइनस कर लीजिए लोअर वोल्टेज को, डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि आपका ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया, तो 2/200 आपका ये हो जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 1/100। 1/100 को आप 10^-2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10^-2 एम्पियर, ठीक है। सब कुछ ऐसा ही में हम लोगों ने लिया है। वोल्टेज भी आपका वी है, ठीक है, मतलब जो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो लिया है उसकी यूनिट भी आपने ऐसा ही में लिया है, और रेजिस्टेंस का भी यूनिट आपने ऐसा ही में लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, 10^-2, या फिर इसको 0.01 एम्पियर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस ये आइडियल जंक्शन का मतलब समझ जाने की कोशिश करना कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये आपको कंडक्टर की तरह ट्रीट करना है इसको, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, एक और मिनट रुकिए, कि अगर आपका रिवर्स बायस होता तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब करंट पास नहीं कराना है ऐसा सोचना होता है, ठीक है। चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू।